आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन से प्लान के, जैसे कि आप एक स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे जिसका साइज है 20x30। 20x30 फुट में पूरा मॉडल बना हुआ है, एक बेहतरीन सा मॉडल और लो बजट मॉडल है। अगर आपके पास पैसा कम है और आप एक बेहतरीन सा घर बनाना चाहते हैं तो इस मॉडल को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस मॉडल में मैंने सबसे पहले एक बारंदा बनाया है, मतलब कि पोर्च टाइप का बनाया है, साथ साथ फ्रंट एलिवेशन को बेहतरीन सा डिजाइन किया है और इसमें ध्यान ये रखा गया है कि ये मकान कम से कम बजट में बन जाए। तो इसी मॉडल को आज हम डिस्कस करेंगे। 20x30 फीट का ये मॉडल 600 स्क्वायर फीट में लगभग 66 गज में ये पूरा मकान बना हुआ है। अगर आप भी ऐसा ही मकान बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखते रहें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें, इससे मेरे आने वाली सभी वीडियो आप लगातार देख सकें। स्मॉल हाउस प्लान पर दोस्तों आपको लगातार अपडेटेड वीडियो मिलते रहते हैं, नए नए मॉडल्स मिलते रहते हैं, तो आप जब भी घर बनवाएं तो एक बार स्मॉल हाउस प्लान पर जरूर विजिट करें, जिससे आपको एक नया लुक मिल सके, नया आइडिया मिल सके। तो आज का जो प्लान है 20x30 फीट में, तो ये देखिएगा, मैं पहले से जूम करके दिखाना चाहूँगा जिससे आपको इसका रियलिस्टिक व्यू समझ में आए। तो सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर देखिएगा आपको मैक्सिमम जूम पर क्या दिखता है, आपको इसका रियलिस्टिक व्यू देखने को मिलता है, विंडो का बेहतरीन सा डिज़ाइन देखने को मिलता है, ग्रिल जो मैंने बना रखी है उसका भी बेहतरीन सा डिज़ाइन देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो दोस्तों फर्स्ट फ्लोर पर ये देखिएगा, सबसे पहले आपको दो पिलर, उस पर एक ये बीम पड़ा हुआ है जिसमें आपका प्रजापति भवन लिखा हुआ है, वहीं पर एक फ्रंट में बेडरूम है, उस पर एक देखिए स्क्वायर शेप का आपका विंडो लगा है और जिसमें मैंने एक फ्रेम भी लगा रखा है। चारों तरफ 2 फीट का ब्लैक कलर के पत्थर लगे हुए हैं जिसमें आपका घर और भी बेहतरीन और सुरक्षित रहे। अब बात करते हैं स्टेयर्स के माध्यम, जैसे आप ऊपर जाएंगे तो सबसे पहले आपको एक बारंदा मिलता है, इसमें मैंने एक सोफ़ा डाल रखा है, ये आप देख सकते हैं बेहतरीन सा बारंदा। वहीं बात करें जो गेस्ट रूम है, सबसे पहले ये फ्रंट रूम है, इसके लिए मैंने बाहर से ही डोर दिया है, आप यहाँ से एंट्री करेंगे और आप गेस्ट रूम में एंटर कर जाएंगे, एक बेहतरीन सा डोर। अब मेन घर में एंट्री करने के लिए ये वाला डोर मैंने दिया है, यहाँ से आप जैसे इंटर करते हैं तो सबसे पहले आपको एक बड़ा सा किचन मिल जाता है। इस किचन को वेंटिलेट करने के लिए स्क्वायर कलर का विंडो मैंने बाहर से दिया है, जिससे प्रॉपर तरीके से आपका वेंटिलेशन होता रहे। बात करें सबसे पीछे कॉर्नर की, तो आपको यहाँ पर मिल जाती है स्टेयर्स, जिससे आप चढ़ना स्टार्ट करेंगे और एक टर्न लेंगे, इसके बाद फिर आप टर्न लेकर अंदर की तरफ मुड़ जाएंगे। वहीं बात करें किचन के जस्ट सामने, तो आपको एक बेहतरीन सा बड़ा सा बेडरूम और भी देखने को मिलता है और इस बेडरूम के जस्ट बगल में बड़ा सा लेटन बाथ, लगभग 6x12 फीट का लेटन बाथ आपको कंबाइंड देखने को मिलता है। तो 20x30 फीट के घर में आपको 2 बेडरूम, बड़ा सा किचन, लेट बाथ, स्टेयर्स और एक आपको बारंदा या पोर्च इसे बोल सकते हैं, बेहतरीन सा देखने को मिलता है। वहीं घर के ऊपर तरफ को अगर आप देखें तो आपको ब्लैक कलर की एक पट्टी दिखाई देगी, जिसमें आपको डॉटेड व्हाइट कलर के डॉट लगे हुए हैं, जो कि एक और घर को खूबसूरत बना रहे हैं। तो ये तो ग्राउंड फ्लोर की बात हो गई, मैं इसे अगर मैं और थोड़ा सा जूम करना चाहूँ तो आप देख सकते हैं जूम करने पर ये मॉडल आपको कैसा दिखने वाला है। जूम करने पर आपको इसका जो डोर है, विंडो है, स्टेयर्स है, इनका रियलिस्टिक व्यू समझ में और आ जाता है। बात करें इसके लास्ट फ्लोर की, तो लास्ट फ्लोर पर इस पर चारों तरफ आपको 3.5 फीट का अप्रॉक्सिमेट बाउंड्री वॉल मिलता है और फ्रंट में आपको ग्रिल और रेलिंग का कॉम्बिनेशन यहाँ पर दे रखा है। वहीं बात करें इस तरफ को, तो यहाँ पर आपको देखिए पहले एल शेप में ग्रिल कटा हुआ है, वहाँ रेक्टेंगुलर शेप में कटा हुआ है, इसके बाद स्टील का कॉम्बिनेशन और ये आपका स्क्वायर कटे हुए हैं और यहाँ पर रेक्टेंगल कटे हुए हैं, तो बेहतरीन सा ग्रिल कॉम्बिनेशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ये पूरा मॉडल लगभग 70 गज में बना हुआ है, मतलब कि 20x30 लगभग आपका 600 स्क्वायर फीट एरिया में बना हुआ है। तो मॉडल आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, किसी भी प्रकार के डाउट के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। और अगर आपने दोस्तों अभी तक इस मॉडल प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।